हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस मैडनेस। आई एम सजल भानुशाली और आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। तो इसके पहले हम सेट के बारे में काफ़ी ज़्यादा पढ़ चुके हैं एंड दिस इज़ अ वेरी इजी कंसेप्ट विद अ वेरी यू नो सिंपल फॉर्मूला। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, एलिमेंट्स ऑफ अ सेट क्या होता है। वेन एवर वी राइट अ सेट, लेट्स से मेरे पास एक सेट है ए जिसके एलिमेंट्स है 1, 2, 3 एंड 4। ओके एंड आई हैव लेट्स से अनदर सेट कॉल्ड एज सेट बी जिसके एलिमेंट्स है 5, 6, 2 एंड 1। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट क्या होता है, अगर मैं ए की बात करूँ तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए विल बी रिप्रेजेंटेड एज ओके विल बी रिप्रेजेंटेड एज एन और ब्रैकेट में ए। सिमिलर सिमिलर विद बी, अगर मैं बी की बात करूं सो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी विल बी रिप्रेजेंटेड एज एन ऑफ बी। तो ऐसा होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट का रिप्रेजेंटेशन। ओके और अगर हम बात करें सो यहाँ पर एलिमेंट्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4। सो हियर एन ऑफ ए विल बिकम 4 और यहाँ पर है 1, 2, 3, 4 अगेन। सो यहाँ पर भी एन ऑफ बी विल ऑल्सो बिकम 4। सो दीज आर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन सेट। अभी सो लेट सपोज वी हैव अ सेट, सो लेट्स से वी हैव अ सेट एक्स इज इक्वल टू एक्स स्मॉल एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड, लेट्स से एलिमेंट्स। ओके सिंपल सा सामने जो है वो वर्ड ले लेते हैं एंड लेट्स से वाई कैपिटल वाई इज डिनोटेड बाय स्मॉल वाई सच दैट स्मॉल वाई इज ए वोवेल। वोवेल पता है ना सबको, AEIOU है ना। इन सेट को कैसे लिखेंगे, तो अगर मैं एक्स की बात करूँ सो वी कैन राइट दिस एज ई एल, वी डोंट रिपीट। ओके ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वी डोंट रिपीट द एलिमेंट्स एवर। सो वापस मेरे पास एल ई हो गया, एल हो गया, वापस ई है सो आई वोंट राइट इट अगेन। एम आई कैन राइट, ओके ई अगेन ई है तो मैं वो नहीं लिखूंगी। सो एन यस एंड टी एंड एस दैट्स इट। ये हो गया हमारा एक्स एलिमेंट। इफ आई टॉक अबाउट वाई क्या होगा, ए ई आई ओ एन यू। ओके तो सिंपली अगर मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखने हो अगर सो आई कैन फॉर दिस आई कैन जस्ट राइट एन ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ओके एंड अगर मुझे एन के लिए वाई लिखना हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई, सो आई जस्ट राइट 1, 2, 3, 4 एंड 5। सिंपल ओके। बट अगर मुझे लिखना हो कि एक्स और वाई के यूनियन का नंबर ऑफ सेट, सो इफ आई वांट टू राइट नंबर ऑफ सेट इन एक्स यूनियन ऑफ वाई तो मैं क्या लिखूंगी। यहाँ पर अगर एक्स यूनियन वाई हम लिखे, ओके इफ आई वॉन्ट टू राइट एक्स यूनियन वाई, कैसे लिखा जाएगा इसको। इसमें सारे एक्स के अल्फाबेट्स हैं, सॉरी इसमें सारे एक्स के एलिमेंट्स हैं राइट, इसमें सारे वाई के भी एलिमेंट्स हैं। सो इफ आई जस्ट सिंपली वॉन्ट टू राइट एक्स यूनियन ऑफ वाई वॉट विल आई राइट, पहले एक्स के एलिमेंट्स सारे आ जाएंगे ई एल एम एन टी एस यस एंड इसमें सारे वाई के भी चीज़ें आ जाएंगी राइट, जैसे कि ए बट ए आई ओ यू। ओके अब ई ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में है, यस ई ऐसा एलिमेंट है जो दोनों इसमें है। सो व्हाट विल वी डू देन, वी कैन नॉट रिपीट इट राइट, हम इसको रिपीट नहीं कर सकते। सो इसको अगर हम फॉर्मूला के तौर में लिखने जाए सो व्हाट वी कैन राइट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई।
है ना, क्योंकि दोनों का यूनियन है. बट देर इज वन प्रॉब्लम कि ये जो ई है इट कैन गेट रिपीटेड. अब ई क्या है, कॉमन एलिमेंट. यस, व्हाट इज ई, इट इज अ कॉमन एलिमेंट. कॉमन एलिमेंट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरसेक्शन. यस, वी रिप्रेजेंट कॉमन एलिमेंट एज इंटरसेक्शन. सो इफ आई वॉन्ट टू राइट द कॉमन एलिमेंट, आई विल जस्ट सिंपली राइट एक्स इंटरसेक्शन ऑफ वाई, है ना. अब ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट रिपीट हो रहा है, टू टाइम्स हो रहा है, सो उसमें से एक टाइम मैं माइनस कर दूंगी. सिंपल. सो आई कैन जस्ट सिंपली माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई. ओके, सो एक्स यूनियन ऑफ वाई के नंबर ऑफ एलिमेंट्स चेक करते एक बार. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. 10 एलिमेंट्स हो रहे हैं नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई के. लेट्स चेक अगर फॉर्मूला, लेट्स चेक इफ फॉर्मूला इज यू नो जस्टिफाइंग दिस स्टेटमेंट. ओके, फॉर्मूला में क्या दिया हुआ है, विल जस्ट राइट इट डाउन ओवर हियर. इसको रब कर लेते हैं हम लोग. ओके, विल जस्ट रब दिस ऑफ. एंड फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, वी आर जस्ट चेकिंग द फॉर्मूला. सो फॉर्मूला के हिसाब से, यस, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स, एक्स में कितने एलिमेंट्स है, 6, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई, वाई में कितने एलिमेंट्स है, 5. ओके, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई. इंटरसेक्शन वाला एक ही एलिमेंट है विच इज ई. सो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन वाले एक ही एलिमेंट है, विल जस्ट राइट 1. सो हाउ मच इज 6 प्लस 5, 6 प्लस 5 इज 11, 11 माइनस 1 इज 10, जो कि मिल गया हमको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई. सो दिस इज आवर फॉर्मूला फॉर एक्स एंड फॉर फाइंडिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन ऑफ टू सेट्स. ओके, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि हमारे बहुत काम आने वाला. ओके, व्हाट इफ देर इज नो इंटरसेक्शन, है ना, अगर इंटरसेक्शन है ही नहीं. सो लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. अगर हमारे पास इंटरसेक्शन हो ही ना तो क्या करें. एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ऐसा, कि लेट्स टेक अनदर अल्फाबेट. लेट्स टेक एलिमेंट्स ऑफ एल बी 1, 2, 3 एंड 4. सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं. एंड एलिमेंट्स ऑफ एम, लेट्स लेट इट बी ए बी सी डी. ओके, सो इन दो एलिमेंट्स में कुछ भी कॉमन नहीं. सो इफ आई वॉन्ट टू राइट से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एल यूनियन एम, तो मेरे पास इंटरसेक्शन कुछ मिलेगा ही नहीं. सो आई कैन जस्ट सिंपली राइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एल प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम, है ना. सिंपली मैं लिख सकती हूँ, क्यों, क्योंकि दीज टू एलिमेंट्स आर डिसजॉइंट, है ना. ये दो एलिमेंट्स क्या है, डिसजॉइंट है. डिसजॉइंट एलिमेंट्स क्या होते हैं बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. डिसजॉइंट एलिमेंट्स आर दोज डिसजॉइंट सेट्स आर दोज सेट्स जिनके बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता, है ना. तो अगर डिसजॉइंट सेट है, मेंशन किया गया है, यू डोंट नीड टू फाइंड द इंटरसेक्शन. ये डायरेक्टली ये फॉर्मूला लिख दोगे तो भी इट इज मोर देन इनफ. लेट्स क्विकली सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके, फ्रॉम प्रॉब्लम सेट 1.4, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है. द क्वेश्चन स्टेट्स इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 15, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज 29, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज 7, देन फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी. सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा सॉल्यूशन भी होगा. हमारा फॉर्मूला क्या कहता है बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, है ना. सिंपल है, बस अब जो वैल्यूज है वो पुट इन कर दो. ए यूनियन बी 29 दिया हुआ है हमारे पास, ए के पास 15 एलिमेंट है, बी के पास क्या है हमको फाइंड आउट करना है. सो विल जस्ट राइट दिस एज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 7. सो 7 इट इज.
अब बस इंटरचेंज कर दो, सिंपल इक्वेशन है हमको सॉल्व करना है. सो आई पुट दिस पार्ट, ये जो पार्ट है मैं इसको अकेले को रख देती हूँ, ठीक है. और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 29, -7. अगर 29 के पास गया तो वो बन जाता है +7, और +15 29 के पास गया तो वो बन जाता है -15. 29 + 7 इज हाउ मच, 36. ओके, 36 - 15 इज हाउ मच, इज हाउ मच इज 36 - 15 इज 21. सो हमारे पास एंड में आंसर क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज 21, जो कि हमें पूछा गया. ओके, सो आई होप आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स का कंसेप्ट समझ आया हो. इट इज अ वेरी इजी कंसेप्ट, वी जस्ट हैव टू रिमेम्बर दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला. एक्चुअली इसको याद भी नहीं करना है, इट इज क्वाइट लॉजिकल, है ना, बस लॉजिक यूज करना है, फॉर्मूला अपने आप आ जाएगा. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि इसके आगे हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले. तो अगर फॉर्मूला, अगर कंसेप्ट आपको अच्छे से समझा है तो आप आगे के वर्ड प्रॉब्लम्स एकदम अच्छे से समझ पाओगे. आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो. अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एंड टेक केयर.